हम आए हैं हज़रत नूरी पुरी वाली सरकार, जिनकी काफ़ी करामत सुनी है, उनके मज़ार पर तशरीफ़ लाए हैं। ये उनका मज़ार है जी, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अब इनके बारे में एक मालूमात लेते हैं, जो यहाँ के पुराने लोग हैं और यहाँ के मतवल्ली समझ लें, जो भी समझ लें, उनसे कुछ मालूमात लेते हैं कि इनकी इनकी क्या क्या करामत थी। चले जी आए। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी सर, आपका नाम क्या है सर? दिलावर सहेल जी। सर हम पूछना चाहते हैं, ये हस्ती हैं जो हज़रत नूरी पुरी सरकार, इनके बारे में कुछ मालूमात फराहम कर सकते हैं आप? हाँ जी क्यों नहीं, ये क्या थे, इनकी क्या करामत थी, इनके ये चीज़ें पूछना चाह रहे हैं। इसकी करामत जी जो मुँह कट दे हैं वो ही होता सी, जो मतलब कि इतने दिल च सच्चे दिल ना आता है, जो दिल च हसरत लैके आता हसरत वो ही उनकी पूरी होंगी है। जोड़ा सच्चे दिल ना नहीं आता उन्होंने अपनी हयाती दे गेटों बहर ही उन्होंने समझने थे, इतने जिसल वढ़ते सन अंदर कमरे के उन्होंने पता लग जाए उन्हें दफा हो जाए दूर हो जाए निकल जाए इतों उन्होंने मतलब कि और है बारे कोई खास कोई मामला कोई जिंदगी का वाक्य आया है उन्होंने जिंदगी को अपनी जिंदगी उन्होंने वाक्य देखा है कोई स्पैशल किस्म की कोई ऐसी चीज़ देखी हुई जो सरकार की करामत आंदे ने पे? हाँ जी करामत मतलब जिंदगी तुसी वैसे बंदा आया है तुसी देखा कि अपनी अखा ना कोई वाकया देखा है? मैंने ही अखा वाक इतने ऐसे तीन कंजरियां आईया वो दरवाजे तो ये बाहर ही ने गेटों बाहर ही ने दो कंजरियां उन्होंने आने तू ने नाती भी नहीं है तो उन्हें आख्या भी बाबे नू की पता लगना मैं नाती नहीं फिर की वो जिसले अंदर सरकारां कोल आए उन्होंने छैन छवन तो पता सी उन्हें आख्या भी तुसी दो जनिया वक्रिया हो या तुसी वक्रे उन्हें आख्या भी तू दस बार की किया है भी तो मुर्शिद भी नहीं पता है जो मैं नहा के आई हाँ नहीं उन्हें आख्या भी ये दलिए तू परसों की नहाती है परसों का तू यो आया है तो तू पैसे भी नहीं तेन दे गया आई जाने वाला ए मतलब कि करामत उन्होंने इस तो करामत मतलब कि हर चीज उन्होंने पता चल जाता है, हर चीज को गलत बंदा आई है को दो नंबर बंदा आया था पता चल जाता है। हां जी ए सरकार दी क्वालिटी के बारे दसो ना जेड़ा कमाल ना पाए। हां जी वो भी उन्होंने दसया भी इथे उन्होंने उन्होंने सानू अगो हुक्म होया भी अल्लाह दा मतलब कि सही शबाद कलंदर दा भी इथे तमाला पाओ ना ना ला लेके ते वो भी इथे असि पाने आ बा तमाला जी। बाबा जी तानू कुछ पता है? नहीं तानू कुछ पता जी? नहीं तो कुछ पता है। यार हम तो बस लोगों से ये सुना है कि मतलब जैसे बाबा जो है ना मेरे जो पता नहीं जो भी कीफियत था हो जो कई औरतें आती थी तो उसको वो गालियाँ देते थे, मेरा ख्याल है कि उसमें कोई फ़र्क होता था ना इसलिए बोल रही आइंदे के लिए कोई उसका ख्याल गलत नहीं हो जाए इसलिए वो हुक्म देता था कि मतलब कि गलत नहीं हो जाए गलत काम शैतान से बच जाए, तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि उसका जो कैफियत है तो और तो अल्लाह को मालूम है, वो इससे मालूम होता है कि वो जब गालियाँ दे दी थी औरत को तो इसका मतलब यह है कि वो जो है ना उल्टे सीधा हरकत नहीं करें ना, इसलिए बुज़ुर्ग लोग जो होते हैं ना वो हिदायत देते हैं कुछ तरीके से, हर एक आदमी का हर वली का अपना कैफियत होता है।